नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए बिहार बोर्ड 2021 के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चन लेके आया गया है, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलते हैं आज के सवाल नंबर एक पर। आज का सवाल नंबर एक क्या है, सवाल नंबर एक देखते हैं। तो यह क्या युगपद समीकरण, युगपद समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और फिर है 4x प्लस 6y बराबर 9 है, निकाय है। क्या बोल रहा है, निकाय है। ऑप्शन ए आपका है असंगत, ऑप्शन बी आपका है अद्वितीय, ऑप्शन सी आपका है अनेक हल और ऑप्शन डी आपका है NOT। ठीक है, तो आप देखिए आज का सवाल नंबर एक क्या है। सवाल नंबर एक है युगपद समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 है, तो निकाय है। तो ऐसे सवाल के लिए आप देखिए पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो ये इसका मतलब है इस सवाल के लिए आपको असंगत बताना है और द्वितीय इसमें से क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या जानते हैं, आप पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसी का पार्ट 1। ठीक है, तो उसमें बहुत क्वेश्चन था जो कि याद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, संगत और संगत अनेक हल बताने के लिए इसका कंडीशन होता है a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 लिखते हैं तब हमको पता चलता है। तो a1 मतलब ये वाला, यानी कि एक समीकरण माने हैं तो उसमें x के बगल वाला, ठीक है, y के बगल वाला b1 और जो इधर आता है उसको c1 बोलते हैं, तो इधर इसको करके माइनस में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जब बराबर किधर लगे तो ये माइनस होगा, ठीक है, बराबर किधर लगे माइनस होगा। ठीक है, अब इसको रखते हैं तब हमको पता चलेगा। देखिए ये हो गया 2 और ये वाला हो गया 4, फिर ये होगा 3 और फिर होगा 6, फिर होगा, देखिए इधर लगे तो ये भी माइनस, इधर लगे तो ये होगा 5, ये होगा क्या होगा 9। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या हो गया, देखिए इसको कटेंगे तो आएगा 1/2, इसको कटेंगे ये भी आएगा 1/2 और ये आएगा, तो इसका जब लिखते हैं देखिए यहाँ पर बराबर आया, यहाँ बराबर, माने कि ऐसा कंडीशन आपको मिल गया। ऐसा कंडीशन के लिए होता है कि इसका कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से इसी प्रकार का सवाल है, तो सवाल नंबर आपका 2 क्या है, फिर से है युगपद समीकरण 5x-3y, अगला 5x-3y प्लस 2 बराबर 0 और फिर है 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। फिर से पूछा है का किस प्रकार का हल संभव है, का किस प्रकार का हल संभव है। ऑप्शन आपका है वास्तविक एवं अद्वितीय, तो बी नंबर में अद्वितीय, 3 नंबर में अनेक हल और हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं। ए में क्या है आपका, हल संभव नहीं है। तो आप देखिए सवाल नंबर 2, ऊपर समीकरण 5x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 है, किस प्रकार का हल संभव है, तो आप ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो हल संभव नहीं है और द्वितीय अनेक हल, यानी फिर आपको क्या हुआ, फिर एक जैसा सवाल, यानी कि एक जैसा सवाल आपको कलेक्ट करके एक साथ दिखाया जाता है ताकि आपको आसानी से सीखने में मदद मिले। ठीक है, तो फिर से वैसा ही सवाल है, आप फिर से इसको बैठाइएगा A1 बटा A2, इस प्रकार का जांच करने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो हम बैठाते हैं, इसमें क्या होगा 5/2 दूसरा होगा 6, फिर क्या होगा 3/2 होगा 1, ठीक है, वाई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ क्या होगा, अब होगा 5, यहाँ होगा -2। तो देखिए आपको क्या मिल गया,
पाँच बटा छः और तीन बटा एक बराबर नहीं, यानी यहीं पर कट है। इसका मतलब ये कंडीशन आ गया। इस कंडीशन का होता है अद्वितीय हल, मतलब इसका सिर्फ एक और एक हल होता है। इसके लिए क्या हुआ, इसका आंसर अद्वितीय हल ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर आपका तीन क्या होगा, सवाल नंबर तीन फिर से ऐसा ही सवाल है। क्या रैखिक समीकरण युग्म x प्लस टू वाई, इस बार है x प्लस टू वाई बराबर पाँच बराबर पाँच, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस बारह वाई, 3x प्लस बारह वाई बराबर आपका है 10 का। इसमें देखिए थोड़ा सा ऑप्शन बदल के लिखा है, ऑप्शन ए है एकल हल, एकल हल। बी में आपका है कोई हल नहीं, सी में आपका है एक से अधिक हल, अधिक हल, और डी में आपका है अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, तो आप जानते हैं एक हल हो कि अनेक हल हो कि कोई हल नहीं, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू। ठीक है, तो आप फिर से इस सवाल में क्या देखिए, आप देखिए यहाँ पे जब बैठाइएगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए वन बटा में थ्री, फिर से क्या मिलेगा इधर होगा टू, इधर होगा ट्वेल्व, फिर से अगला होगा तो इधर करेंगे तो माइनस पाँच, और इधर हो करेंगे तो माइनस दस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये एक बटा तीन है, ये क्या आएगा एक बटा छः, एक बटा तीन एक बटा छः बराबर नहीं होता, यानी कि ये वाला कंडीशन मिल गया आपको यहाँ से जो दिख रहा है यही कंडीशन। तो इसके लिए क्या होता है एकल हल, उसी को अद्वितीय बोलते, यानी कि इसका एकल हल एक हल सिर्फ होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर आपका चार होगा। हाँ, फिर से अगला सवाल ऐसा ही है, आप ध्यान से देखिए अगला सवाल आपका क्या है। समीकरण युग्म x प्लस टू वाई प्लस पाँच, एक्स प्लस टू वाई प्लस पाँच बराबर जीरो, दूसरा समीकरण है माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई और बराबर प्लस वन है बराबर जीरो। ठीक है, इसके लिए फिर से बोला है और द्वितीय हल, मैं ऑप्शन बदल देता हूँ, ए नंबर में है और द्वितीय हल, बी नंबर आपका है अनंत हल, सी नंबर है कोई हल नहीं, और डी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं, एन ओ टी। तो सवाल नंबर चार आप देखिए, बोल रहा है ऊपर समीकरण 2x प्लस सॉरी x प्लस टू वाई प्लस फाइव बराबर जीरो, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस वन बराबर जीरो का किस प्रकार का हल संभव होगा। तो फिर से अद्वितीय अनंत ये सब आपका ऑप्शन है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं फिर से ए वन बटा ए टू आप बैठाते हैं, तो आप बैठाइए तो ए वन कितना है यहाँ पर वन है, बटा में यहाँ दूसरे समीकरण में माइनस थ्री है, फिर से इसमें कितना है टू है और दूसरे में माइनस सिक्स है। ठीक है, थर्ड में सी के जगह पे है फाइव और यह है वन। ठीक है, तो देखिए इसको कटाएंगे तो ये भी आएगा यहाँ पर, यानी कि एक बट्टा तीन बराबर एक बट्टा तीन और आया पाँच बट्टा एक, तो यहाँ पर आ गया बराबर नहीं। ठीक है, पहला बराबर है लास्ट में बराबर नहीं है, इसका होता है कोई हल नहीं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पीछे जाके वीडियो जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा इस सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दिया गया है। ठीक है, इसका हल क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, माने ये होगा कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या होगा, पाँच नंबर होगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है, सवाल मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस टू वाई बराबर सेवन तथा 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई बराबर चौदह समपाती होगा
ऑप्शन आपका है ए में है 2, बी में है 3, सी में 4 और डी में है NO। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5 आपका क्या है, k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आप पीछे के वीडियो में आप देख चुके हैं कि समपाती होने का कंडीशन क्या होता है। कंडीशन क्या होता है समपाती के लिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सभी आपस में बराबर होते हैं तो समपाती होता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि समपाती है, नहीं ये आपको सिखाने के लिए बोले, इसलिए यह क्या होगा a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा c2 सब आपस में बराबर होंगे, कहीं कट का निशान नहीं। तो आप बैठाइए, a1 का मतलब ये हुआ इसके बगल में क्या है एक है यानी एक, और a2 का मतलब ये हुआ 2, अब इसका क्या है फिर है 2, इसके नीचे क्या होगा ये होगा और फिर बराबर देखिए उधर आ गया -7, इसमें भी माइनस, ये होगा 7, ये होगा 14। तो अब आप देखिए इसमें से आप किसी को भी बराबर कर लीजिए, ठीक है, तो आपको k बराबर मिल जाएगा। देखिए इस दोनों का बराबर कर लीजिए, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो ऐसे तिरछा तिरछा यानी कि k बराबर आ जाएगा 4, और 4 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे। ठीक है, अब अगला जो सवाल है इसमें क्या है, सवाल नंबर आपका 6 क्या होगा, इस बार है ए का मान, इस बार है ए, ए के किस मान के लिए समीकरण निकाल ए एक्स माइनस वाई, इसमें क्या है ए एक्स माइनस वाई सॉरी ए एक्स प्लस 10y है, ए एक्स प्लस 10y बराबर 0 बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y बराबर 0 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल होगा। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक एक किस मान के लिए समीकरण ax प्लस 10y बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है वह देख लेते हैं, ऑप्शन है 4, 2, -4, इसमें है 4, इसमें 2, इसमें -4 और उसके बाद -2। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस सवाल के लिए क्या बोला है, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि k का मान निकाल वैसे इसमें a का मान निकालना, तो कंडीशन देख के निकाल, इसमें क्या बोला है तो एक हल हो नहीं, एक हल के लिए कंडीशन आपका क्या होता है, तो एक हल के लिए कंडीशन क्या होता है आप जानते हैं कि एक हल का जो कंडीशन होता है वह होता है यहाँ पर ऐसे कट, ठीक है, यहाँ पे होता है कट। ठीक है, तो अब इस कंडीशन से आप बैठाइएगा a1 का वैल्यू कितना ये है यानी कि a है, और a2 का वैल्यू कितना है 2 है, अब बराबर नोट। ठीक है, यहाँ कितना होगा 10, फिर नीचे कितना होगा 5। ठीक है, तो इसको जब कटा लीजिएगा ये हो जाएगा कितना 2, अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा a बराबर आ गया 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वास्तव में यहाँ आना चाहिए क्या बराबर नहीं 4, ठीक है, इसमें ऐसे सिंबल होना चाहिए यानी कि 4 नहीं हो सकता बाकी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस सवाल का आंसर ये है। ठीक है, आप समझ गए हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, सवाल नंबर 7 फिर से आपका सवाल नंबर 7 है कि a का मान जिसके लिए समीकरण का ax माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है, इसमें क्या बोला है एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, इसका ऑप्शन क्या है आपका 3 और बराबर नोट 3 और बराबर नोट 0 और फिर से है अगला 0। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 7 क्या है, एक एक किस मान के लिए समीकरण ax-y बराबर 0 तथा 6x-2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है,
तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन आपका क्या होता है, अभी तुरंत आपने पढ़ा है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 यहाँ क्रॉस का साइन होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप बैठाइए, a1 कितना है, a है नीचे, a2 का वैल्यू 6 है बराबर नोट, b1 का वैल्यू -1 है और सही लिखा हूँ मैं, ठीक है। और क्या है अगला आपका, b2 का वैल्यू -2 है, ठीक है। जब आप इसको कटा लीजिएगा तो ऐसे होगा, इसको कटाइएगा तो आएगा 3, यानी कि ए डज नोट 3, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी इस सवाल का आंसर आ गया। अगला आपका जो है सवाल नंबर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ए के किस मान के लिए समीकरण, फिर से अगला देखिए, ए के किस मान के लिए समीकरण, x प्लस 2y बराबर, अब आपका सवाल है x प्लस 2y बराबर, किधर चलिए किधर चलिए, ए के किस मान के x प्लस 2y बराबर 3 तथा, तो अगला सवाल नंबर 8 क्या है, ए के किस मान के समीकरण का 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 बराबर क्या है आपका, बराबर a माइनस 5 है तथा 20x प्लस 10y, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 का अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका 5 माइनस 10 खाली 10 और 20। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 8 आपका है, ए के किस मान के समीकरण 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 तथा 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 का एक अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए कंडीशन आप जानते हैं, यहाँ पर होता है बराबर, यहाँ भी होता है c1 बटा, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर, सभी बराबर आपस में होते हैं। तो अब हम वैल्यू बैठाएंगे और सवाल, तो इसके लिए यहाँ पर होगा 10 और इसके लिए यहाँ पर होगा 20 बराबर, यहाँ होगा 5 यहाँ होगा 10, फिर से बराबर। अब देखिए ये इधर है माइनस है, उसको भी इधर लगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर किधर लगे तो a माइनस 5 और इसके नीचे माइनस a, ठीक है हो गया। अब आप इस दोनों का ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है, इसको कटेंगे तो यह भी आएगा कितना, 1/2, इसका मतलब अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ऐसे और ऐसे ये आएगा कितना, a बराबर 2a माइनस 10 ऐसा आएगा। जब आप इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर ले जाएगा तो a बराबर आपका आ जाएगा 10 और इस सवाल का आंसर क्या है, सवाल का आंसर है c, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आपका जो सवाल है वह सवाल नंबर कितना होगा, 9 होगा, सवाल नंबर 9 यह भी आपका है। तो सवाल नंबर 9 में अब a के जगह पे k है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाल, x प्लस 2y बराबर 3, अब आपका जो है वह है x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky, 5x प्लस ky बराबर 15 बराबर में आपका कितना है, 15 का अनगिनत हल होगा। इसमें भी क्या है, का अनगिनत हल होगा, ऑप्शन आपका है 5, 10, अगला ऑप्शन है 6, इसके बाद अगला ऑप्शन है 20, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 का एक अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए अभी जस्ट आपने पढ़ा ये कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सब बराबर होता है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे भी वैसे ही बैठाएंगे, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 5 है, फिर यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है k है, ठीक है। अब बराबर c1 के जगह इसको इधर लाएंगे तो आएगा -3 और इसको इधर लाएंगे तो आएगा -15। तो आप इसको कटाए, इसको चाहे मन करे इसको बराबर कीजिए, चाहे मन करे आप इसको बराबर कीजिए, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 होगा, यहाँ भी 1/5, तो आप इसको बराबर कीजिए, इसको तिरछा तिरछी कीजिएगा तो ये बराबर आपका आ जाएगा 10। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ठीक है हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे, फिर से अगला सवाल है आपका 10 नंबर सवाल,
वह क्या है? फिर से आपको ए के मान निकालना है, यहाँ पे ए, ए के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 2x प्लस ए वाई बराबर आपका है 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7, 3x माइनस 5y बराबर 7 का अद्वितीय हल होगा, का अद्वितीय हल होगा। इसका ऑप्शन है ए में है ए बराबर 10/3, बी में है ए डज नोट 10/3, सी में है ए बराबर 10 और डी में है ए डज नोट 10। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 आप देखिए, सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है? ए के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का कंडीशन आपको क्या होता है वह देखिए, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर नोट b1/ माने ऐसे होता है, आपको दिख रहा ये, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो अब आप बैठा ये a1 का वैल्यू मतलब ये हुआ 2, a2 का वैल्यू ये हुआ 3 बराबर नोट, b1 का वैल्यू इसमें हुआ a और इसमें कितना हुआ -5। ठीक है, अगला क्या होगा यहाँ पे, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप इसमें क्या कीजिएगा, इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो इधर कितना हो जाएगा, सही मैंने छापा है ना, ठीक है, यहाँ पे था माइनस, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आप इसको कीजिएगा तो आएगा -10/3 डज नोट ए, यानी कि हुआ ए बराबर नोट -10/3, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल नंबर 11 आपका है, फिर से है, तो ये क्या है, के किस मान के लिए, फिर से आपका है के किस मान के लिए समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अगला है 2kx, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल होगा, का एकमात्र हल होगा। ऑप्शन आपका क्या है, 3, 4, 6 और -6, 6 यहाँ क्या है -6। ठीक है, सवाल नंबर 11 आप देखिए, सवाल नंबर 11 क्या है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7 और माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1, एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1, y बराबर -1 है। ठीक है, तो अब देखिए आप सवाल क्या है, 11 के किस मान के लिए समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 तथा 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल होगा, जहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर -1 दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, x और y का वैल्यू आप सवाल में बैठा दीजिए। तो देखिए इसमें बैठाएंगे k का मान निकालना, तो इसमें बैठाएंगे तो 2kx का वैल्यू कितना है आपका 1 है, 1 बैठा दिए, प्लस 7 वाई का वैल्यू कितना है -1, तो ये बैठा दिए और बराबर हो गया 5। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा, 2k-7 बराबर 5, इसको जब उधर बैठाएंगे ये होगा 2k बराबर 5 प्लस 7 यानी कि हो गया 12, k बराबर आपका 12/2, इसको कटाया गया तो आपका हो जाएगा 6 और इस सवाल का आंसर हो गया सी, क्या हो गया 6। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, आपका अगला होगा 12 नंबर, फिर से अगला सवाल नंबर 12 है, के किस मान के लिए समीकरण kx-5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, यही है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो गया -10, -5, -6 और -15। आप देखिए सवाल नंबर 12 क्या है, के किस मान के लिए समीकरण kx-5y बराबर 2 तथा
6x+2y=7 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन आपका होता क्या है, वह होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसमें आप बैठाइए, तो a1 का वैल्यू है k और a2 का वैल्यू है 6, बराबर कितना होगा -5, वहाँ से यहाँ से कितना होगा 2, और यहाँ पे तो बराबर नोट होता है c1 का वैल्यू कितना, इसको इधर लेंगे तो -7, ये हुई होगा -2, ये कट गया। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप इस दोनों को बराबर से 2 से कट गया 3, ठीक है, इसको उधर करेंगे तो k बराबर होगा -15, और -15 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।